शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड स्टार्ट नाउ एंड रिमेम्बर दैट कि अभी तक हमने जो आपको बताया था या जिन चीजों पर हमने बात किया था वो लास्ट का पॉइंट मुझे याद है, बैलेट को लेके मैंने बात किया था। या ओके, वी हैव गॉन विद बैलेट एंड रिमेम्बर दैट कि देर इज अ टर्म, एक टर्म है जिसका नाम है बैरॉक, BAROQUE, बैरॉक, BAROQUE, बैरॉक। ये जो टर्म बैरॉक है, ये टर्म ज्यादातर क्या हुआ है कि आर्ट हिस्टोरियंस ने इसको अप्लाई किया है। बैरॉक इज अ टर्म अप्लाइड बाय आर्ट हिस्टोरियंस। आर्ट हिस्टोरियंस का मतलब कि जैसे जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो लोग थे, खासकर आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में और पेंटिंग में, और ये जो आया था कहाँ से आया हुआ है, इटली से आया हुआ है एंड यू विल कम टू नो बाद में ये पूरा यूरोप में भी फैला और इस चीज को रिनेशा में भी इसको फॉलो किया गया था। तो एक चीज मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि अ टर्म अप्लाइड बाई आर्ट हिस्टोरियंस, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में लिखना है, अ टर्म APPLIED अप्लाइड बाई आर्ट हिस्टोरियंस, आर्ट हिस्टोरियंस एक पॉइंट कि इसको अप्लाई करने वाले कौन लोग थे, आर्ट हिस्टोरियन थे। और ये किसके लिए अप्लाई किया गया था, आर्ट हिस्टोरियन के द्वारा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो अप्लाई किया गया था आर्ट हिस्टोरियन के लिए, क्या दिखाने के लिए, अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कामा स्कल्पचर SCULPTURE एंड पेंटिंग दैट इमर्ज्ड इन इटली दैट इमर्ज इन इटली। अभी तक मैंने केवल दो पॉइंट बैरॉक को लेके बात किया है और मैं इसको हाईलाइट करता चल रहा, आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि बैरॉक जो है यह एक ऐसा शब्द है, अ टर्म, एक ऐसा शब्द अप्लाइड बाय आर्ट हिस्टोरियंस, किसके द्वारा अप्लाई किया गया, आर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा अप्लाई किया गया है। दूसरा चीज आपको क्या है, अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यह एक ऐसा टर्म था जो इस चीज को दिखाने के लिए यूज किया गया था कि आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में और पेंटिंग में जो इटली में इमर्ज हुआ था उसकी अपनी स्टाइल क्या थी। तो अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पेंटिंग दैट इमर्ज इन इटली, जो कहाँ पर आया था, इटली में आया था, उस समय की चीजों को इसको दिखलाने के लिए किया गया था। और ये सब जो चीजें आई थी इटली में, आगे अभी मैं उसके लिखूंगा, ये सब चीजें कब हुई थी, एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी। इसी के आगे ही हमें लिखना है, यहाँ पे मैं एट को जोड़ दे रहा हूं ताकि ये पता चले कि उसे एट, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था। हमें नेक्स्ट स्लाइड पे चलना चाहिए, सबने लिख लिया है, ओके ओके ओके। एट द बिगिनिंग, BEGINNING, एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट सेंचुरी, एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी एंड यू विल कम टू नो कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी एंड देन स्प्रेड टू जर्मनी, एंड देन स्प्रेड टू जर्मनी
एंड देन स्प्रेड टू जर्मनी एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप, अदर कंट्रीज इन यूरोप. सो यू विल गेट की वट, यू विल गेट दीज थिंग कि ये चीजें रही एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप. वट डिड आई टेल यू? आई जस्ट टोल्ड यू कि यह 17th सेंचुरी में शुरू हुआ है और कहाँ पे स्प्रेड हुआ है, जर्मनी में स्प्रेड हुआ है. तो इटली से शुरू होकर के जर्मनी में आया और जर्मनी के बाद ये क्या हुआ कि यूरोप के सारे हिस्सों में. इसका मतलब यह जो मूवमेंट रहा है, यह कैसा मूवमेंट रहा है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रही है कि इट वॉज अ एक तरह से पूरा पैन यूरोपियन मूवमेंट पूरे यूरोप में फैला हुआ था. ऐसा नहीं कि यूरोप के एक कंट्री में या इस तरह की चीजें जो है. और इसके अलावा एक जो क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ द रिनेशा था वहां पर भी इसमें देखने को मिलता है. ऑल दीज थिंग्स वी वी फाइंड. तो एक इसको ध्यान में रखना. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका लिटरेचर से क्या मतलब है, या लिटरेचर में इसका क्या हम पाते हैं. लिटरेचर में स्पेशली आप पाएंगे कि कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन है, खास करके पैराडाइज लॉस्ट में. और पैराडाइज लॉस्ट के अलावा एक प्रोज डिस्क्रिप्शन ड्रीम का है, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, वहां पर इसका यूज किया गया है. और जो जो बैरक है, यह स्पेनिश और पुर्तगीज नेम से आया हुआ, जो एक पर्ल के लिए होता है, जो रफ और इरेगुलर इन शेप होता है. तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट भी है. आई थिंक इट विल बी द थर्ड पॉइंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टर्म बैरक, BARQUE, द टर्म बैरक इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश एंड पुर्तगीज नेम, द स्पेनिश एंड पुर्तगीज नेम. एंड दिस पुर्तगीज नेम दैट इज वॉट कि वेन यू टॉक अबाउट स्पेनिश एंड पुर्तगीज, PORTGUESE, पुर्तगीज नेम फॉर अ पर्ल फॉर अ पर्ल दैट इज रफ एंड इरेगुलर इन शेप, दैट इज रफ एंड इरेगुलर. इन शेप, SHAP. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसको ध्यान में रखना पड़े, दैट इज इरेगुलर एंड रफ इन शेप, रफ एंड इरेगुलर इन शेप. एंड यू विल कम टू नो जो इसका अप्लीकेशन है, जो ये स्टाइल है, इस पार्टिकुलर स्टाइल को लिटरेचर में भी अडॉप्ट किया गया. और ये जो जब भी इसको लिटरेचर में एडॉप्ट किया गया, तो एलाबोरेटली फॉर्मल एंड मैग्निक्वेंट स्टाइल इन वर्ड्स आर प्रोज. चौथा पॉइंट आपको लिखना है, इट वॉज ऑल्सो एडॉप्टेड, इट वॉज ऑल्सो एडॉप्टेड इन लिटरेचर, इन लिटरेचर. और किस तरह की स्टाइल को लेकर के, इट वाज आल्सो एडॉप्टेड इन लिटरेचर, जो उसमें सिग्निफाई एनी एलाबोरेटली, सिग्निफाई एनी एलाबोरेटली, सिग्निफाई. हैव यू नोटेड इट? ओके, सिग्निफाई एनी एलाबोरेटली, ELABORATELY
Elaborately, एलाबोरेटली सिग्निफाई एनी एलाबोरेटली. वट स्टाइल फॉर्मल एंड मैग्निलोक्वेंट स्टाइल, फॉर्मल एंड मैग्निलोक्वेंट स्टाइल, LOQUENT, मैग्निलोक्वेंट स्टाइल, फॉर्मल एंड मैग्निलोक्वेंट स्टाइल. इन वर्स आर प्रोज, वर्स में भी और प्रोज में भी दोनों. तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रेसिया, आपको ध्यान में रखना कि मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट सम वर्स ऑफ मिल्टन, मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट. पैराडाइज लास्ट कब पब्लिश हुई है? पैराडाइज लास्ट कितनी किताबों में है? पहले जब आई थी कितनी किताबों में थी? ओके दैट्स गुड. व्हाट, 7 9? हाँ 7 9 को. या नेक्स्ट है थॉमस डी क्विंजी. एक तो एक एग्जाम्पल है आपको ध्यान में रखना है, दूसरा एग्जाम्पल है थॉमस डी क्विंसी, क्यू यू आई एन सी ई वाई, थॉमस डी क्विंसी कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. इट केम, एक ऐसे है एंड इट केम इन 1822. सो यू फाइंड दिस थिंग. जॉन डन ने भी इसका यूज किया है, मेटाफिजिकल जो कंसीट है, या वहां पर आप देखेंगे जॉन डन ने भी इसका यूज किया हुआ है, और रिचर्ड क्रशा जो पोएट थे उन लोगों ने भी बैरा का यूज किया हुआ है. तो कोई ऐसा चीज नहीं है, दो एग्जांपल दे दिया गया. मैं फिर से हेडिंग स्लाइड्स को मैं बैक कर रहा हूं ताकि मैं पूरी बातें समझा सकूं. पहला जो टर्म मैंने लिया बैरॉक लिया, और मैंने बताया कि जो यह बैरॉक है या किसके द्वारा यूज किया गया था, एक ऐसा टर्म है अप्लाइड बाई आर्ट हिस्टोरियन. सवाल ये उठता है कि हु इज आर्ट हिस्टोरियन? आर्ट हिस्टोरियन वे लोग होते हैं जो हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन हिस्ट्री से जुड़ने का मतलब कि जो स्कल्पचर है या आर्ट हिस्टोरियन जो इस तरह की चीजों की स्टडी करते हैं कि उसमें किस तरह की चीजें अडॉप्ट की गई हैं. आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गई, जो पास्ट में जो रही है या उसमें किस तरह की चीजों को एलाबोरेट करके और फॉर्मल वे में प्रेजेंट किया गया है उस चीज को. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैरॉक जो यूज किया गया या जो पहली स्टाइल आई हुई है या स्टाइल कहाँ पे थी, इसको पहले जो है स्कल्पचर के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में, पेंटिंग के फील्ड में यूज किया गया. इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी. और उसकी स्टडी करने वाले क्या कहे जाते हैं? आर्ट हिस्टोरियन कहे जाते हैं. जब उन्होंने इस स्टाइल को वहां पे यूज किया समझने के लिए, तो इस स्टाइल की खासियत क्या है? आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग में ये आया, और पहले कहाँ आया? इटली में आया. इटली के बाद कहाँ पे? 17 सेंचुरी में इटली में आया था. इटली के बाद जो है ये कहाँ पे फैलता है? जर्मनी में फैलता है और फिर यूरोप में फैलता है. लेकिन जो टर्म बैरोक है ये कहाँ से आया? स्पेनिश टर्म. द टर्म बैरोक इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश. एक क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, स्पेनिश एंड पुर्तगीज नेम, या स्पेनिश और पुर्तगीज नेम से आया किसके लिए? फॉर अ पर्ल, यह एक पर्ल के लिए होता है.
और यह जो पर्ल होता वह कैसी होती, रफ इरेगुलर, रफ एंड इरेगुलर इन शेप। तो ये जो पर्ल होता वह रफ होता है और इरेगुलर इन शेप होता है, इसी वजह से उसी तरह की स्टाइल को लिटरेचर में भी यूज किया गया है, और जब यह स्टाइल यूज की गई तो पोइट्री में भी यूज किया गया, प्रोज में भी यूज किया गया। जस्ट आई वांट टू नो कि सबसे पहले ये स्टाइल किस कंट्री में आई है। इटली के बाद कहाँ आई है? अच्छा, इसको सबसे पहले किसने अप्लाई किया है? आर्ट हिस्टोरियन। आर्ट हिस्टोरियन ने किस फील्ड में अप्लाई किया है? इसके अलावा आप क्या देखते हैं, यू यू फाइंड इट कि ये जो शब्द आया है बैरॉक कहाँ से लिया गया है? स्पेनिश एंड पोर्तुगीज नेम फॉर अ पर्ल, और पर्ल कैसे था वो? यस, रफ एंड इरेगुलर। उसके बाद आप ये देखते हैं फोर्थ पॉइंट की इट वाज आल्सो एडॉप्टेड इन लिटरेचर, इसको लिटरेचर में भी एडॉप्ट किया गया कि क्या बताने के लिए, एलाबोरेटली फॉर्मल, कोई भी चीज को बढ़ा करके और वह भी फॉर्मल स्टाइल में, एंड मैग्नीलोक्वेंट और थोड़ा सा शानदार ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया। ये तीन चार शब्द आपको ध्यान में रखना है, एलाबोरेटली फॉर्मल एंड मैग्नीलोक्वेंट स्टाइल इन वर्स आर प्रोज, इन वर्स आर प्रोज, एलाबोरेटली फॉर्मल एंड मैग्नीलोक्वेंट स्टाइल इन वर्स आर प्रोज। समवन हैज अनम्यूटेड आफ्टर गिविंग आंसर यू हैव टू म्यूट। तो ये कौन सी स्टाइल को फॉलो करता है, एलाबोरेटली फॉर्मल एंड मैग्नीलोक्वेंट स्टाइल इन वर्स आर प्रोज, जिसका एक एग्जांपल मैंने दिया कि मिल्टन का पैराडाइज लास्ट में भी इसका यूज किया गया है। थॉमस डी क्विंसी एक बड़े क्रिटिक भी है, प्रोज राइटर भी है, एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं। उन्होंने एक एसे लिखा था कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, ये चीज कई बार पूछा गया, इसमें भी इस स्टाइल को दिखाया गया, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। आफ्टर इट मैंने ये भी बताया था इसको यूज जॉन डन ने भी किया हुआ है, और जॉन डन के अलावा जो है रिचर्ड क्रशा ने भी इसको यूज किया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि टुडे आई हैव टेकन व्हाट, टुडे आई हैव टेकन बैरॉक। नाउ द नेक्स्ट टर्म विच वी आर टेकिंग दैट इज व्हाट, दैट इज बैथोस। बैथोस, जब आप वर्ड बैथोस की बात करते हैं तो बैथोस जो है यह ग्रीक वर्ड है, और यह ग्रीक वर्ड किसके लिए, डेप्थ के लिए आता है। पहला पॉइंट, अ ग्रीक वर्ड फॉर डेप्थ किसके लिए आया हुआ, ग्रीक वर्ड डेप्थ के लिए आया हुआ है। और यू विल कम टू नो कि व्हेन वी टॉक अबाउट बैथॉस, और ये होता है कि बहुत गहराई में या इस तरह की चीजें, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी चीजों की बात कर रहा है जो बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाता है। और इस चीज को आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर पोप ने बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है, इसको जो है पैरोडिंग उन्होंने किया, खासकर एक लांजाइनस नाम के एक क्रिटिक थे, ग्रीक क्रिटिक थे, उनका एक एसे था ऑन द सबलाइम, और उसको ले करके जो है बाद में एक एसे लिखा गया ऑन बैथास ऑफ द आर्ट ऑफ सिंकिंग पोइट्री। तो उससे बहुत ऐसा भी आपको मतलब नहीं है, लेकिन यू विल कम टू नो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अ ग्रीक वर्ड फॉर डेप्थ, यह एक ग्रीक वर्ड है जो किसके लिए आता है, डेप्थ के लिए आता है। एक पॉइंट, डेप्थ को डबल इन्वर्टेड कामा में। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देर इज अ वर्ड वर्ड देर इज अ वर्ड एंटी क्लाइमैक्स, और जो एंटी क्लाइमैक्स है समटाइम्स इम्प्लॉयड एज एन इक्विवेलेंट ऑफ बैथोस, इसको भी जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, कभी कभार बैथास के इक्विवेलेंट। तो एक यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूँ,
अभी और भी मैं बताऊंगा, एंटी क्लाइमैक्स। या दिस इज द नेक्स्ट टर्म, उसी से जुड़ा हुआ है। एंड यू विल कम टू नो कि जो ये एंटी क्लाइमैक्स है, इस एंटी क्लाइमैक्स के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, कि जो एंटी क्लाइमैक्स है इक्विवेलेंट टू बैथा। पहला पॉइंट, इक्विवेलेंट टू बैथोस, इक्विवेलेंट टू बैथोस। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इक्विवेलेंट टू बैथॉस जो दिया जा रहा है, वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटी क्लाइमैक्स जो इक्विवेलेंट टू बैथॉस तो है, लेकिन कभी कभार इसका यूज कहाँ पे किया जाता है कि एक नॉन डेरोगेटरी फॉर्म में, और डिनोट्स अ राइट एज डिलीबरेट ड्रॉप। आप एक दूसरा पॉइंट यूज कर सकते हैं कि समटाइम्स समटाइम्स राइटर्स समटाइम्स राइटर डिलिबरेटली ड्रॉप ड्रॉप व्हाट ड्रॉप समटाइम्स राइटर डिलिबरेटली ड्रॉप फ्रॉम द सीरियस एंड एलिवेटेड। एंड एलिवेटेड फ्रॉम द सीरियस एंड एलिवेटेड टू द ट्रिवियल एंड लोली। एंड लोली, LOWLY। अब इसे पहले लिख लीजिए, इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमिक और सैट्रिक इफेक्ट, टू अचीव अ कॉमिक और सैट्रिक इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल कहाँ पे देखा जा सकता है, टॉमस ग्रे की मॉक हीरोइक पोयम ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। टॉमस ग्रे, एग्जाम्पल ग्रेसिया, टॉमस ग्रेस, व्हाट टॉमस ग्रेस ऑफ टॉमस ग्रेस मॉक हीरोइक, मॉक हीरोइक टॉमस ग्रेस मॉक हीरो। आवाज मेरी सबको जा रही है? ओके ओके, टॉमस ग्रेस मॉक हीरोइक पोयम। जस्ट मे आई नो कि उनकी क्लास कितने बजे से है, केडी सर की? 7:40। एंड व्हाट्स टाइम?
व्हाट्स टाइम? 7:30। नाउ वी हैव टाइम, कम से कम दो टर्म हम और ले सकते हैं। ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट फेवरेट कैट, ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं कि इतना मुझे क्यों लिखवाना पड़ा या समझाने के लिए। एक तो आपको ये समझना है कि हमने दो शब्दों को लिया, बैथॉस। बैथॉस जो है क्या है, अ ग्रीक वर्ड फॉर डेथ। बैथॉस एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक वर्ड किसके लिए है, डेप्थ के लिए। बहुत ही गहराई में जा करके जब पार्टिकुलर चीज को कहा जाता है तो वो चीज उसके लिए है। लेकिन आप ये देखेंगे कि सम टाइम से देखा गया कि एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब होता है कि ऊंचाई पर जाना, लेकिन एंटी जब लगा दिया गया तो ऊपर से नीचे की ओर आना, यानी इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज डाउन हो रही है ना कि ऊपर जा रही है। तो इसके लिए कहा गया कि जो आपका बैथॉस है इक्विवेलेंट टू बैथॉस, जो एंटी क्लाइमैक्स है उसके लिए मैंने पॉइंट लिखवाया था कि इक्विवेलेंट टू बैथॉस। लेकिन आप देखेंगे समटाइम्स जो राइटर है उन्होंने क्या किया, डिलिबरेटली जानबूझ करके वे ऐसी स्टाइल यूज करते, डिलिबरेटली ड्रॉ फ्रॉम द सीरियस, वे ऐसा लिखते हैं कि वह सीरियस से कहाँ पे जाते हैं, डिलिबरेटली ड्रॉ फ्रॉम द सीरियस, वे सीरियस बातों को ड्रॉप कर देते हैं और वहां से सीरियस बातों को ड्रॉप करने के बाद वे कहाँ पे जाते हैं, एंड एलिवेटेड टू द ट्रीवियल। सीरियस बातों को छोड़ करके वे कौन सी बातों को ले लेते हैं, ट्रीवियल और लॉली, ट्रीवियल और लॉली को। देखिए जब सीरियस होगा तो इसका मतलब आप ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सीरियस को छोड़ दे रहे हैं तभी तो आप एंटी क्लाइमैक्स होंगे। क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जाना। लेकिन कभी कभार ऐसा दिखाया जाता है कि राइटर क्या करता है, वो जो है सीरियस बातों को छोड़ करके ट्रीवियल और लॉली सब्जेक्ट मैटर ले लेता है या उसमें बातें करने लगता है, वहीं से ही क्या होता है, एंटी क्लाइमैक्स शुरू होता है। जैसे अगर आपने कोई पोयम लिखी, उस पोयम में आपने किसी चीज को बहुत ऊपर उठाया और एकदम उठाए, जैसे ही आप एक ऊंचाई पर जा रहे हैं आपने कोई ऐसी लाइन लिख दी जो उस पोयम से बिल्कुल अलग हो और वह क्या हो जाए कि ट्रिवियल और लोली हो जाए, तो इसका मतलब वहां पे आपने एंटी क्लाइमैक्स का कॉन्सेप्ट ला दिया। अभी तक तो आप क्लाइमैक्स की ओर जा रहे थे, फिर उसके बाद मैंने लिखवाया और उसका पर्पस क्या होता है, इन ऑर्डर टू अचीव कॉमिक आर सैटिरिक एटमॉस्फेयर इफेक्ट। केवल उसका पर्पस होता है कि वह कॉमिक और सैटिरिक इफेक्ट लाना चाहता है। टॉमस ग्रेज मॉक हीरोइक पोयम, जो टॉमस ग्रे का मॉक हीरोइक पोयम है, ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ये जो पोयम है ये 1748 में आई है। इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि द कैट है ड्रोन्ड व्हेन शी ट्राई टू कैच अ गोल्ड फिश, कि जो कैट है वह ड्रोन्ड हो गई, डूब गई जब उसने जो है गोल्ड फिश को पकड़ने की कोशिश की। और आप ये मुझे बताइए कि एक और लाइन है, अगर एक चीज पूछा जाए कि व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइस, अगर आप ये कहते हैं कि क्या कोई फीमेल हार्ट ऐसा है जो कि गोल्ड से नफरत कर सकता है, व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइस, क्या कोई फीमेल हार्ट ऐसा जो गोल्ड से नफरत करे, इसका मतलब ये हुआ कि आप नो no, आपने इसका मतलब क्या हुआ, आपने बात तो अपनी शुरू की फीमेल हार्ट से लेकर, ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस बात करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें आप देखिए उसमें आपने एक 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 वहां पे क्या लगा दिया, वहां पे आपने एक लगा दिया कि वो है एक कॉमिक इफेक्ट को लाने के लिए, कि कोई भी ये ऐसा लगता है आपने औरत का नेचर बताने की कोशिश की, या जैसे आप ये कहते हैं कि जहाँ पे चार औरतें इकट्ठा होती हैं वो कुछ ना कुछ बोलती रहे, चुप ही नहीं हो सकती है, या एक एक बहुत पहले किसी ने एक ऐसा ही जो है यू विल कम टू नो की कुछ चुटकुला वगैरह ऐसा ही यूज किया था, बहुत सारा उसमें मतलब इस तरह की चीजें थी जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि किसी लड़की की शादी होती है तो वो ये कहती कि मैं जो है वह शेरनी, तुम तो जो है 42 लोगों को लेकर के आए लेकिन मैं ऐसी शेरनी थी जो तुम्हारे साथ अकेली चली गई जो है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने तो पहले जो चीजों को उठाया और लेकिन बाद में जो ये वर्ड हुआ कि
वह शेरनी अकेले पूरे इसका मतलब 42 पर भारी पड़ी। तो ये जो वर्ड आप यूज करना चाहते हैं ये कहाँ पे जा रहा है, एंटी क्लाइमेक्स। पहले चीजों को आप उठा रहे हैं लेकिन बीच में ले जाकर के ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो कॉमिक है और जिसकी वजह से चीजों का क्या होता है, डाउनफॉल होता है। और ऐसा आप क्यों करते हैं, केवल कॉमिक या सैट्रिक इफेक्ट के लिए। और एक एग्जाम्पल जो है, जैसे मैंने बताया वोड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट में ये चीज देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल, एक लाइन आप लिख लीजिएगा, वह चीज है इफ आई यूज दिस वर्ड, एग्जाम्पल में व्हाट फीमेल हार्ट व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड डिस्पाइज। व्हाट कैट्स एवर्स टू या अल्टीमेटली इफ आई यूज द वर्ड सेकेंड, द कैट हैड ड्रोन्ड द कैट हैड ड्रोन्ड DROWNED, द कैट हैड ड्रोन्ड। कब? द कैट हैड ड्रोन्ड व्हेन शी ट्राई टू कैच अ गोल्ड फिश। आप ही बताइए कि क्या गोल्ड फिश को कभी कैच, जो अगर कैट ट्राई करती पकड़ने के लिए, एक गोल्ड फिश बहुत इंपॉर्टेंट इसी में मिमिक्री है। पहली बात तो गोल्ड फिश जो है कहाँ पे होगी, गोल्ड फिश अगर होगी तो वह नॉन लिविंग होगी और गोल्ड फिश तो पानी में हो नहीं सकती है। और अगर गोल्ड फिश को उसने पकड़ने की कोशिश की तो द कैट है ड्रोन, क्या ये संभव है? नो नॉट एट ऑल। तो आप यहाँ पे मिमिक्री लाना था। इस तरह के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो चीज क्या कहा जाता है, उसी चीज को हम एंटी क्लाइमैक्स, पहले आपने उसको चढ़ाया फिर उसके बाद ला करके डालने की कोशिश की, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एंटी क्लाइमैक्स। नाउ आई वुड लाइक टू टेक वन मोर वर्ड, क्योंकि उधर भी क्लास भी है, बायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई अदर्स। इसके अलावा बहुत ज्यादा और डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस यही। जॉन ड्राइडन ने कहा है इसके बारे में, ये आप मान लीजिए अगर पहला पॉइंट हो गया तो व्हाट जॉन ड्राइडन सेड, ड्राइडन सेड ड्राइडन ने क्या कहा, द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मेंस लाइफ, द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मेंस लाइफ, द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मेंस लाइफ। मेंस लाइफ इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है हेजियोग्राफी, HAGIOGRAPHIES, हेजियोग्राफी, HAGIOGRAPHIES। स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स,
क्रिस्टियन सेंट्स। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना, हेजियोग्राफी स्टाइलाइज लाइफ्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, क्रिश्चियन सेंट्स को लेकर के जो लिखा गया था वह चीज क्या होता था, वह हेजियोग्राफी होता है। बायोग्राफी मैंने आपको बता दिया, बायोग्राफी के कई एग्जाम्पल हैं। एक तो आइजाक वाल्टन है, उन्होंने लाइव्स करके लिखा हुआ है। सैमुअल जॉनसन ने लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट लिखा हुआ है। तो ये चीजें, दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब सेंट्स की जिंदगी को लेकर के कोई बायोग्राफी लिखी जाती है, स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, क्रिश्चियन सेंट्स की लाइफ को लेकर के, तो उसको हेजियोग्राफी कहा जाता है। किसी भी आम आदमी की जिंदगी के ऊपर अगर कोई दूसरा लिखता है तो उसको क्या कहा जाता है, बायोग्राफी कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पे दो एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूँ। बायोग्राफी का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ बायोग्राफी, एग्जाम्पल्स ऑफ बायोग्राफी। जो एग्जाम्पल्स ऑफ बायोग्राफी है उसमें से एक, एग्जाम्पल्स ऑफ बायोग्राफी में से एक आपका लाइव्स, आइजाक वाल्टन्स लाइव्स, आइजैक वाल्ट, आइजैक लाइव्स। दूसरा है सैमुअल जॉनसन्स सैमुअल जॉनसन्स लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। नेक्स्ट, जेम्स बोसवेल्स लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ये चीजें 1791 ईस्वी में आई। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, मैं फिर से बता दूं, मैंने बायोग्राफी का एग्जांपल दिया। बायोग्राफी में मैंने तीन इसलिए मैं लिखवाया हूं कि अक्सर पूछा जाता है। आइजाक वाल्टन ने लाइव्स नाम का एक बायोग्राफी लिखा हुआ है, और यह जो बायोग्राफी है यह कई पोएट्स को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ, कई पोएट्स की जिंदगी को उसमें शामिल किया है, जिसमें जॉन डन है और जॉर्ज हर्बर्ट है। ये 1640 से 1678 के बीच में आई है लाइव्स, 1640 से 1678। सैमुअल जॉनसन का लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स है, एक सैमुअल जॉनसन ने भी लिखा हुआ है ऐसे ही। ये 1789 में लिखना शुरू किया, 1781 में कंप्लीट हुआ है। इसमें भी कई पोएट्स की लाइफ को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। फिर जो है सैमुअल जॉनसन के ऊपर जेम्स बोसवेल ने उनकी बायोग्राफी लिखी है, जेम्स बोसवेल का लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये उन्होंने लिखा है, और ये 1791 ईस्वी में आया है। तो इन दिस वे वी हैव डन व्हाट, इन दिस वे टुडे वी हैव डन बायोग्राफी,
है जियोग्राफी, उसका एग्जाम्पल और बायोग्राफी ये बताया कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई अदर्स। ड्राइडन एज द ड्राइडन ने कहा कि ड्राइडन सेड कि द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मेंस लाइफ, द हिस्ट्री ऑफ अ पार्टिकुलर मेंस लाइफ, यही आपका बायोग्राफी है। उसके अलावा आप देखेंगे कि बैरॉक के बारे में लेकर के बात की गई है और क्या क्या बैथॉस है, एंटी क्लाइमैक्स है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव गन। तो वी हैव टेकन 4 और 5 वर्ड्स एंड आई थिंक कि नाउ यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड। चीज़ें समझ में आई है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा किसी भी तरह का। बाकी आप जो है दूसरी क्लास को यू हैव टू वेट एंड वी विल मीट इन मॉर्निंग फॉर PGT या NGIC का। जी मैडम, या व्हेन यू से कि हीरोइक ट्रेजेडी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मींस इन फ्रांस इन इन इंग्लैंड, विलियम डी एविनांट या ऐसी करके हैं, ऐसा ही उनका कुछ नाम। नहीं, ड्राइडन जो है वो फादर ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी नहीं होंगे। जो सबसे पहला हीरोइक ट्रेजेडी आया वो जो है क्या कहते हैं कि फ्रांस में आया हुआ है, फ्रांस में इंट्रोड्यूस करने वाले आदमी का नाम विलियम डी एविनान समथिंग ऐसे करके रहा है। इंग्लैंड में इसको इन्होंने पॉपुलर बनाया है। हाँ, फ्रांस में आया है, फ्रांस में आया हीरो स्टेज। ग्रेव्स हेम टू एडवर्स नॉट ग्रेव्स हेम टू एडवर्सिटी, वहां से द इंस्पिरेशन। फिर से क्वेश्चन क्या है? और क्या क्या ऑप्शन है? नहीं, और क्या है लास्ट में? ग्रेव्स हिम टू एडवर्स या मोस्ट प्रोबेबली, यही वो है। मैं बहुत श्योर नहीं लेकिन यही यही लग रहा है, क्योंकि और जितना भी है उसमें इंस्पिरेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। नहीं, कहाँ वो आए थे वो होल? आप कहाँ पे मैडम, थॉमस ग्रे कहाँ पे वहां पे आए? सबसे पहले प्री रोमांटिक पीरियड्स में रहे हैं ना, उसके बाद तो वर्ड्स बताते हैं। थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च, यार मैंने आपको बताया था प्री रोमांटिक, उसके बाद वर्ड्सवर्थ का उसका बात है। हाँ, 1751 में एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च, यार। ओके ओके एंड अदर पर्सन इफ या इफ एनीवन ड्रॉप मैसेज, अगर कोई भी आदमी मैसेज आप बुक के लिए भेजिएगा तो जो बताया गया है उसको फॉलो आप करिएगा उसी पैटर्न पे। या शिवपाल, हाँ जितने लोगों का आया है सही, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं उनको कॉल करूँ, मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया। नहीं, अभी जब यहीं पे सबसे पहले इन लोगों के पास जाएगी फिर इलाहाबाद और कहीं पहुंचेगी। ठीक, ओके।